वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट, और हस्बैंड ने मेरी मन की बात जान ली और इन्होंने ऑर्डर किया था तो आज आया है वैलेंटाइंस डे के दिन। ये फ्रंट साइड है, मैं ये केक बनाने जा रही हूँ। ये कुकर में बनने वाला केक है, ओवन में नहीं। बाकी सब तो मिक्स है इसमें, मिल्क जाएगा और वेजिटेबल ऑयल जाएगा। स्पॉन्जी सा वैनिला केक एक बन के रेडी है वैलेंटाइंस डे के लिए। हमारा तो केक बन के रेडी हो गया है, गुड फॉर हेल्थ है। ये रहा मेरा वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट, मोस्ट अवेटेड ये गिफ्ट है। मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मुझे एक ये एयर फ्रायर मिले, और हस्बैंड ने मेरी मन की बात जान ली और इन्होंने ऑर्डर किया था तो आज आया है वैलेंटाइंस डे के दिन। तो ये एक इसका मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मैं एक दो बार गई हूँ वो रिलायंस डिजिटल है ना, वहाँ से लेने के लिए प्रेस्टीज का या कुछ और कंपनी का, पर वहाँ पे मुझे जो चाहिए था वो वाला अवेलेबल ही नहीं था, तो ऑनलाइन ही मिला। तो इसीलिए ये इसका ये एक मॉडल है, आइनॉक्स इनाल्सा आइनॉक्स एयर फ्रायर है, और अच्छे से पैक होके आया था तो मैंने निकाला है। और इसके अंदर ये था, और ये यूज़र मैनुअल जो है ना, वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल और एक रेसिपी बुक, ये तीनों चीज़ें इसमें है। और इसका फंक्शन टाइमर ये है, 0 to 30 minutes तक कुछ भी बनेगा। और ये हैंडल है, ये इसका कुकिंग पैन है। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें डीप फ्राई करने पड़ती है वो बहुत ज़्यादा तेल उसमें लगता है, तो वो मतलब हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना। तो मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि ये वाला ऐसे लूँ, पर अवेलेबल नहीं था तो मुझे पता था वो हस्बैंड को, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। ये एक्चुअली कुकिंग ट्रे है, कुकिंग पैन है, और ये फूड रखने वाला ये ट्रे है। ये रिमूवेबल है, डिटैचेबल, ये ऐसे फिक्स हो जाता है इसमें। और मैं सिर्फ आपको कैसा है ये बता रही हूँ आउटर पार्ट का, पर ये इसको यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू शेयर कर पाऊँगी। ये एक हैंडल है, इसको आप पुल अप करके निकाल सकते हैं, ये कुकिंग ट्रे है। इसके ऊपर ही कुछ भी फ्रेंच फ्राई हो या समोसा हो, कुछ भी तेल अप्लाई करके थोड़ा सा वो जो ब्रश रहता है ना, ग्रीस करके इसमें रख के ऐसे, मैं मैनुअल देख रही थी एक्चुअली, तो ये है ऐसे जाएगा। और ये टाइमर है 0 to, और मैनुअल में दिया हुआ है कौन सी चीज़ वेज नॉन वेज कुछ भी बना सकते हैं, कौन सी चीज़ कितने टाइम में बनेगी इसमें दिया हुआ है। ये नॉब को एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल नॉब है, ये टाइमर है एक्चुअली। और ये जो टॉप में जो है ये पावर है, लाइट ब्लिंक होगा, और हीटिंग ये लाइट फ्लैश होगा। और ये कुछ मेन्यू है जो आपको चाहिए, ये फ्रेंच फ्राइज का है, ये कुछ नॉन वेज का है, ये भी नॉन वेज मीट वगैरह कुछ है, ये फिश वगैरह, ये वेजिटेबल का। तो ये टेम्परेचर है 0 to 200 degrees Celsius के बीच आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो ये वाला एयर फ्रायर तो मुझे अर्जेंटली चाहिए था, तो इसीलिए ये वैलेंटाइंस के डे के दिन ये आया ये गिफ्ट, मैं बहुत खुश हो गई। और ये मोस्ट वांटेड है अभी, क्योंकि कुछ भी डीप फ्राई करने जाओ तो बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम होता है, तो वो भी हेल्थ के लिए हेल्थ इफेक्ट करता है। तो इसीलिए फिर ये वाला एक हेल्दी सा
और अच्छा सा एक ऑप्शन है, आप में से कोई अगर ऐसे वॉच करें, वेट वॉच करें, या आपको चाहिए कि ऐसे आपको भी यूज़ करना है, तो मैं इसको यूज़ करने के बाद आपसे रिव्यू शेयर करूँगी, तब आप ले लीजिए। ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है कौन सा आइटम कितने टाइम में कितना क्वांटिटी भी, ये छोटा सा एक पेन है ना, क्वांटिटी भी कितना यूज़ कर सकते हैं, पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो ये पढ़ के फिर इसको मैं यूज़ करूँगी कभी, मतलब कल परसों देखती हूँ। और इसमें दिया हुआ है क्लीन कैसे करना है और बिफोर यूज़, अभी नया है ना तो बिफोर यूज़ एक बार तो क्लीन करना पड़ेगा, और आफ्टर यूज़ जो ग्रीस आइटम जो रहता है रेसिड्यू उसको भी कैसे क्लीन करना है इसमें दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से टच होके पैक होके आया है ना, तो इसीलिए मैं क्लीन कर रही हूँ। इसको कुछ नहीं करेंगे, ये प्लग है ना, सिर्फ मैं वायर को ही क्लीन कर रही हूँ। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, मैं ये केक बनाने जा रही हूँ, ये कुकर में बनने वाला केक है, ओवन में नहीं, वीकफील्ड का कुकर केक है, वैनिला फ्लेवर का, ये एक्चुअली कुकर केक मिक्स है, पूरा सारा कुछ मिक्स रेडी है इस पैकेट में, इसमें था, इसको मैं स्टीमर में स्टीम करके रेडी करूँगी, स्टीमर भी मैंने रेडी करके रख दिया है, इसके अंदर पानी और स्टैंड भी है, और ये बेकिंग ट्रे जो है ना, तो इसको भी ग्रीस करके, ये बटर पेपर है लगा के उसमें ग्रीस करके रख दिया है, बटर ग्रीस कर दिया है चारों ओर। और ये जो मिक्स है, मिक्स डालने के बाद इसमें सिर्फ दो चीज़ें जाएगी, बाकी सब तो मिक्स है, इसमें मिल्क जाएगा और वेजिटेबल ऑयल जाएगा, पर मेरे पास तो ग्राउंड नट ऑयल है ना, रिफाइंड ऑयल नहीं है, तो मैंने बटर को मेल्ट करके रेडी करके रखा है, इस पैकेट को इसमें खाली करेंगे। इसमें मैदा, शुगर और बटर सब मिला हुआ है, मिल्क जो पाउडर होता है ना, मिल्क पाउडर, वो सब मिला हुआ है, सिर्फ इसको रेडी करने के लिए हम ये दो चीज़ें मिला रहे हैं। इसमें 3/4 कप मिल्क जाएगा और 2.5 बटर जाएगा स्पून, सारी चीज़ों को मिला लेंगे, थोड़ी देर विस्क करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको गर्म करने के लिए बिठा दूंगी स्टीमर को, इतना क्रीमी टेक्सचर है ना, स्मूथ बैटर भी हो गया ये। इसमें थोड़ा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे, केक अच्छे से निकल जाएगा स्टीम होने के बाद, चारों ओर मैंने स्प्रेड कर दिया है, बटर को अच्छे से विस्क करके रख दिया है, अभी इसमें पोर करेंगे केक टिन में, बटर पोर करने के बाद थोड़ा टैप करेंगे इस टिन को, जो गैप है वो फिलअप हो जाएगा। ये 150 ग्राम्स है इसका क्वांटिटी, और डिफरेंट फ्लेवर्स में भी मिलता है, चॉकलेट, वैनिला। केक टिन को इसमें रखेंगे, प्लेस करेंगे,
30 मिनट्स के लिए ये स्टीम होगा, 30-35 भी लग सकता है। मैंने मीडियम रखा है अभी फ्लेम, 20 मिनट्स बाद मैं फिर से चेक करूँगी। ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो गया है, अभी चेक करेंगे, नाइफ से चेक करें। एड्ज पे यहाँ पे साइड से और थोड़ी देर स्टीम करके फिर 5 मिनट्स के बाद फिर चेक करेंगे। ये क्लीन नहीं निकला है ना, इसीलिए इसको दोबारा चेक करेंगे, अभी कवर कर देंगे। ओवन नहीं है आपके पास तो भी रेडी मिक्स लाके ऐसे घर पे बना सकते हैं। 7 मिनट्स हो गया है अभी, इसे चेक करेंगे। हो गया है, क्लीन निकल के आया नाइफ। मैं बंद करके बाहर निकाल के रख दूंगी इस ये जो टिन है ना। इसमें इसको हम अभी थोड़ी देर कवर करके रख देंगे, 15-20 मिनट्स के बाद फिर चेक करेंगे, निकालेंगे इसको प्लेट में। ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स हो गया है, कितना सॉफ्ट दिख रहा है ना। इसको भी प्लेट में निकालेंगे। इसे साइड से इसको चेक करेंगे। ये बटर पेपर हमने लगाया था ना, इसे आराम से निकल के आ रहा है। स्पॉन्जी सा वैनिला केक एक बन के रेडी है। वैलेंटाइंस डे के लिए हमारा तो केक बन के रेडी हो गया है। मेरे पास वो राउंड शेप का टिन भी है, पर मैं ये हार्ट शेप का बनाना चाहती थी तो इसीलिए स्टीमर में ही स्टीम किया है। फिर अभी ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, ये बादाम काट के रखा है और काजू ऐसे 2 स्लिट करके रखा है, इसको सजा देंगे। वो क्रीम जो व्हिप्ड क्रीम आता है ना, वो घर में किसी को पसंद नहीं है तो मैं लेके नहीं आई, नहीं तो उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं क्रीम सारा अप्लाई करके केक के ऊपर। पर ये घर के जो अवेलेबल है सामान और गुड फॉर हेल्थ है, थोड़ा सा तो शुगर है इसमें, पर और किसी चीज़ का गिल्ट नहीं है।